सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी बहुत ही इतिहासिक जगह के दर्शन कर जा रहे हैं। एक गुरद्वारा साहब है, नानकसर गुरद्वारा साहब, जिते ये शेर जड़े ने वो असली ने ते इन्हां नू प्रिजर्व करके इत्थे रख्या हुआ है। इस गुरद्वारा साहब जोड़े गुरु साहब होए ने बाबा नंद साहब जी, ये शेर उन्हां दी रख्या करते सन उस समय दे विच। समा कोई पुराना ज़्यादा नहीं है, 1918 तो लेके 1921 दे विच इस गुरद्वारा साहब की जड़ी उसारी हुई है। ये शेर उदों बाबा जी की रख्या करते सन ते इन्हां नू जड़ा प्रिजर्व करके रख्या होया है। इस गुरद्वारे बारे असी होर भी इतिहासिक गल्लां तो रूबरू अज होवांगे। मैनू तो वह भी गड्डी सोहनी लगी सी, बैड ते रखण नू, आ साइकल भी सोहणा बैड ते रखण नू। अरे बाबा बैड पे रखने के लिए, पीछे यहाँ पे बैठ के, सब तो पीछे नहीं, यहीं पे बैठ के, यहीं पे बैठ। हाय हाय, हाय बेबी, जितनी लंबी गाड़ी होगी ना, ये पीछे जाके सीट पे बैठेगा और उछल कूद मचाता रहेगा, है ना, बैठ जाओ। तो आज हम जा रहे हैं हरित्वी की बुई घर, हरित्वी की ननद सॉरी, मेरी ननद के पास जा रहे हैं हम। और शाम का टाइम है, हम पहुंचने वाले हैं जलंधर में, है मेरी ननद, और हमारे घर से 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो 7:30 होने वाले हैं, तो हरित्वी के डिनर का टाइम है। तो वहाँ जाके मैंने कुछ बताया नहीं था ननद को ना, पापा का फोन आ रहा है। पता नहीं रोज ही कितो वे है बंदा आ जांदा, ये बंदा बहुत दुखी करता, दिस दिन क्रॉस रोज ही आ जांदा क्रॉस। एक्चुअली दीज आर मैसेजेस, जो कंपनी वालों के मैसेज होते हैं ना, रिचार्ज करो, ये करो, कोई वो सारे आते रहते। तो अभी डिनर का हरित्वी का टाइम हो गया था, हरित्वी 7 से लेकर 7:30 के बीच खाती है खाना। तो मैंने ननद को बताया नहीं था हरित्वी के लिए क्या बनाना है क्या नहीं, एक्चुअली मेरी बात ही नहीं हुई, वो थोड़ा सरप्राइज ही हम उसको देने वाले हैं। तो अभी हम रुके हैं सबवे, हरित्वी का फेवरेट सब उसे खिलाएंगे, है ना। जब भी हम जलंधर आते हैं हम यहाँ पे रुक के हरित्वी को फेवरेट उसका सब जरूर खिलाते हैं, क्योंकि हरित्वी मोस्टली बाहर का बिल्कुल नहीं खाती, बहुत कम खाते हैं। तो लेकिन आज हम उसे खिलाने वाले हैं, क्योंकि उसका डिनर थोड़ा हो जाएगा, फिर 9-10 बजे जब वो सोएगी तो कुछ खिला पिला के सुला देंगे। तो बस इस तरह से है मौसम, गाड़ी में तो ठीक है लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मैंने वही पिंक सूट डाला है। और थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने बहुत पसंद किया ये सूट, और ये मेरी है नई जुत्ती, बहुत गर्मी है जुत्ती भी आप लोगों ने बहुत पसंद की, और मैं इसके साथ गोल्डन सूट लेने वाली हूँ, लेकिन गर्मियों में गोल्डन चलेगा नहीं, क्रेप मटीरियल में लूँगी, बाद में लूँगी सर्दियों में जाके, है ना। तो बस यही छोटी सी कहानी है, छोटा सा सफर करेंगे, बुई के पास जाएंगे, हरित्वी की बुई के पास, है ना। बुई पास जाना है, बुई पास जाना है। हरित्वी को अगर यही मामू के पास जा रही होती ना, तो हरित्वी की स्माइल 440 वॉट की होती। हरित्वी मामू पास जाना है, नहीं नहीं, मान लो मामू पास जाना है तो आप कैसे एक्सप्रेशन दोगे, हरित्वी मामू घर जाना है, हरित्वी बुई घर जाना है, क्योंकि बुई का बेटा छोटू सा है, सोमिल उसका नाम है, इसका कजन। तो वो छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे बाल खींचते हैं, ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं, वो इसको खींचता है और ये बोलती है मेरे को सोमिल मारता है, दैट्स व्हाई उठने भी नहीं देता, चप्पल भी नहीं पहनने देता है, वो एक्साइटेड सा रहता है इसको देख के ना, लाडी बहुत आती है उसको इसको देख के, बस उसी में हरित्वी गुस्सा। लेकिन हरित्वी बिग बॉय है ना, हरित्वी बिग बॉय है ना, उसका बिग ब्रो है, हरित्वी बिग ब्रो है ना उसका। डंडा नहीं लेना, हाई हो जानी वो दे।
छोटे ब्रदर नु मार दे तू जी मम्मा दिशु मामू नु मार दिया जे मेरे मारया ना सुमिल ने फिर मैं तानू फिरा देना मैं मारूंगी लेकिन मारना जोर ना मम्मा कोई दिशु मामू नु मार दिया लेकिन मारना हां जोर ना ओके मैं जोर ना मारूंगी ठीक है पापा सब ले रहे हैं खड़े हैं पापा आज हम दोनों हस्बैंड और वाइफ ने सेम डाला पिंक कलर का हाँ पापा पिंक तो बड़ी गंदे जी लग रही और हरिथी का सबसे बुरा कलर हरिथी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी शर्ट दिने पीछे यहाँ पे बैठ के सब तो पीछे नहीं यहीं पे बैठ के बारिश है ना बच्चा सत श्री अकाल फ्रेंड्स ते अज असीं घूमन आए हाँ दर्शन करन आए हाँ नानकसर कलेरां गुरुद्वारा साहब जी दे थोड़ी जी पंजाबी बोलनी तो बनती है ना क्योंकि साडा पंजाबियों का इतिहास है तो अब बात करते हैं हिंदी में ताकि सबको समझ आ सके तो ये एक सिखिज़म में बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है 1918 से लेके 1921 के बीच में ये जो गुरुद्वारा बना था और इसे बनाया था बाबा नंद साहब जी ने आगे उनकी जो है वो गद्दी चल रही है इस गुरुद्वारे की बहुत सारी स्टोरीज बहुत सारी ऐसी एपिक फेमस स्टोरीज हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि यहाँ पे जो भी गुरु साहब हुए हैं जिन्होंने भी इस गुरुद्वारे की अगुवाई की है आप कह सकते हो कि वो बहुत ही पहुँची हुई शख्सियतें थीं स्पिरिचुअल कह सकते हैं आप अध्यात्मकता से जुड़े हुए थे सब और सब में बहुत सारी शक्तियाँ थी और वो भी कलयुग के ज़माने में थी तो ये जो यहाँ का इतिहास जब आप पढ़ते हो इसके बारे में जानते हो तो आपको विश्वास हो जाता है कि आज भी इस समय में भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मतलब आपको परमात्मा से जोड़ के रखती हैं तो ये नानकसर गुरुद्वारा है ये अपनी बहुत सारी कह सकते हैं कि जो करामातें होती थी यहाँ गुरु साहिबान की उनके लिए फेमस है ये लुधियाना में पड़ता है जो ग्राउंड सिटी के पास पड़ता है और हम लोग पहले जलंधर ननद के पास थे तो नेक्स्ट डे हम सुबह संडे यहाँ पर दर्शन करने गए थे ये भैया हैं जो लेके गए थे और ये गाड़ी है बाबा जी की जो किसी उनके सेवक ने उन्हें भेंट की थी से यहाँ पे रखा गया है और जो हम लोग हैं दर्शक हैं वो इनको देख सकते हैं और आगे गुरुद्वारा साहब की अगर बात करें तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी थी बहुत ही ऐसी अच्छी अच्छी लाइंस लिखी हुई थी जो आपको मोटिवेट करती हैं और जो आपको नेगेटिविटी से दूर करती हैं बहुत सारे यहाँ पे कुछ ऐसी हिस्ट्री थी जैसे यहाँ पे 4 लंगर हॉल हैं लेकिन किसी भी लंगर हॉल में खाना नहीं पकाया जाता तो अब लंगर आता कहाँ से है लंगर आता है रोज़ भर भर के आसपास के गांव से आसपास के गांव में जो भी लोग रहते हैं जिनकी इस गुरुद्वारा में श्रद्धा है वो लंगर बना के भेजते हैं यहाँ पे लंगर नहीं बनाया जाता दूसरी सबसे जो मुझे खास बात यहाँ लगी कि जहाँ पे कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता पैसे नहीं चढ़ाने दिए जाते हमें पता नहीं था हम फर्स्ट टाइम गए थे तो जहाँ पे जब हम माथा टेकने लगे तो हमने थोड़ा होता है ना कि हम अपनी इनकम जो भी है कमाई है उसमें से दसवंध डालते हैं हमारे सिखिज़म में ये है गुरु साहिबान का हुक्म है कि जो भी आप इनकी आपकी इनकम होती है उसमें से दसवंध आपको गुरु को अर्पण करना है लेकिन यहाँ पर वो प्रथा नहीं है जहाँ पर कोई भी पैसा जो है वो गुरु साहिबान की पिक्चर्स के आगे कहीं पर भी नहीं चढ़ाया जाता यहाँ पे जो मान्यता है श्री श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को माना जाता है वो ही यहाँ पे विराजमान हैं उनकी ही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ये मेरी प्यारी सी ननद है और उन्हीं के रेगुलेशंस जो है वो यहाँ पे रूल्स फॉलो किए जाते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी मनी आप कोई भी पैसा जो है वो चढ़ा नहीं सकते हो जहाँ पे फेमस है मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है उससे भी खास बात जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो ये था कि जहाँ पे जो भी गुरुगद्दी पे गुरु विराजमान हुए हैं जैसे गुरु नंद सिंह जी महाराज हुए हैं जो इन जिन्होंने इन गुरुद्वारा को बनाया है उनका एक स्पेशल जगह थी बैठने की और वो जगह जो है मे बी मिस्टर बहल ने शूट किया होगा क्योंकि ये सारी शूट उन्होंने की है आती है तो मैं आपके साथ उस टाइम भी शेयर करूंगी वो जो अपनी संगति श्रद्धालु थी उन
से ऊंचा नहीं बैठते थे, उनसे नीचा बैठते थे। उनकी बैठने की जगह जो थी वो अपने श्रद्धालुओं से बहुत नीचे की तरफ थी, ना तो वो बराबर में बैठते थे ना ही ऊंचा बैठते थे। इस गुरुद्वारे में एक और जो है वो खासियत ये है कि यहाँ पे गर्ल्स को वेस्टर्न डाल के आना जो है वो अलाउ नहीं है। आपको पूरे पंजाबी सभ्याचार वाले जो कपड़े होते हैं वो अच्छे से आना है। और नेक्स्ट इसमें एक चीज़ थी कि बाबा नंद सिंह महाराज जी जब यहाँ पे ये जगह है गाइस, ये जो जगह है ना, यहाँ पे बाबा नंद सिंह जी महाराज बैठते थे और यहाँ पे लिखा गया है कि इस जगह ते तन बाबा नंद सिंह जी गुरु साहिबां दे सन्मुख अते संगत तो नीवें होके बैठिया करते सन। मतलब वो अपने श्रद्धालुओं से जो है वो नीचे की तरफ बैठते थे, ऊँचा नहीं बैठते थे। और यहाँ पर उनकी जो रक्षा है, रखवाली करते थे दो शेर। हाँ गाइस, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 1918 में गुरुद्वारा बना है, मतलब आज से 100 साल पुराना ही ये इतिहास है। बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग होंगे जिन्होंने इनको देखा है लाइव और उन्हीं से पता चला है कि उनकी रक्षा दो शेर करते थे, इसीलिए जगह जगह पे इस तरह से शेर जो है वो बने हुए हैं स्टैचू। और सबसे खासियत ये है कि जो शेर उनकी रक्षा करते थे उनको प्रिजर्व करके रखा है जब वो ख़त्म हो गए। इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है कि वो मर गए या नहीं मरे, कैसा है इतना नहीं पता है, लेकिन जितना हमने वहाँ से सुना कि उन दोनों शेरों को प्रिजर्व करके रखा है। और ये हैं वो एक्चुअल वाले शेर जिनके गले में जो है माला डाली गई है, इनको प्रिजर्व किया है, असली वाले ये शेर हैं गाइस। सबसे ज़्यादा खासियत की बात ये है। और जब आप यहाँ से गुज़रते हो तो आपको हल्की हल्की, अगर तो आपका नाक बहुत तेज़ है मेरे जैसा, ये तो मजाक की बात है, लेकिन हाँ यहाँ पे स्मेल आती है, जैसे मांस वगैरह की स्मेल आती है ना, आपको असल में देख के पता चलता है कि ये रियल वाले शेर हैं। तो सबसे अच्छी, सबसे खासियत कह लीजिए, जहाँ सबसे बढ़िया बात जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि परमात्मा है, और परमात्मा ने ऐसे बंदे इस युग में भी भेजे हैं जो आपको ये यकीन दिलाएंगे कि परमात्मा यहाँ पे है। ये है वो शेर, मिस्टर बहन ने बहुत पास से इसे कैप्चर किया। तो आज का हमारा यहाँ पे आना सफल हो गया क्योंकि हरित्वी ने भी बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लगा। इन्जॉय मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये वर्ड जो है वो सूटेबल नहीं करता हमारे आध्यात्मिकता को, लेकिन हाँ वो खुश थी, उसने देखा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हार्म ना हो। बहुत सारी जगह जगह पर ऐसे बोर्ड्स रिटर्न में लगाए गए हैं कि लोग कुछ भी ऐसा ना करें जो गुरुद्वारे की मान्यता को जो है वो खंडित करे। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और यहाँ बाहर आके यहाँ पे शॉपिंग की गई सोमिल के लिए, क्योंकि सोमिल जो है वो कारों का बहुत शौकीन है, और यहाँ पर उसने कार देख ली, बस उसको हो जाता है भाई मेरे को कार ले दो कार ले दो। लेकिन इस मामले में हम थोड़ा सा अपने आप को लक्की समझते हैं कि हरित्वी कभी भी बाहर जाके शोर नहीं मचाती, लेकिन जब भी वो कुछ चीज़ मांगती है ना तो ऐसी मांगती है कि थोड़ा डन हमें ज़्यादा पड़ जाता है। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ के, स्पेशली यहाँ की हिस्ट्री देख के, और मैंने अब सोचा भी है कि मैं गूगल पे इस गुरुद्वारा जी के बारे में ज़्यादा सर्च करूँगी। और ये गुरुद्वारा साहब की एंट्री थी, लेकिन मैंने शो आपको जाते टाइम किया। बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप आसपास के हैं तो इस जगह को ज़रूर देखें। और ये जगह जो है हम यहाँ पे भी गए थे, जलंधर में पास है ये श्री नकोदर साहब, बहुत फेमस है, पंजाबियों को पता है, हम अक्सर यहाँ पे आते जाते रहते हैं जब ननद के पास जाते हैं। तो शाम का वक्त था और इसी जगह के पास एक और जगह है बाबा लाल बादशाह जी की, वहाँ पे मेला था लेकिन वहाँ पे नहीं गए क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो ननद का मन था कि हम यहाँ पे भी जाते जाते माथा टेकेंगे, इसलिए गए। और ये हमारी वापसी है आज सुबह की, मंडे, हम सुबह सुबह 8 बजे ही ननद के घर से निकल आए थे क्योंकि हमें आकर जो है वो हृथ्वी की क्लासेस जो है वो लगानी थी। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे हमेशा आपके कमेंट्स जो है पढ़ने की बहुत ही उत्सुकता होती है। कोई भी अच्छा सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, घर पे रहें और ऐसी जगह दर्शन करने ज़रूर जाएं ताकि आपका विश्वास जो है भगवान में और भी दृढ़ हो। बाय बाय, सत श्री अकाल गाइस।